the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. तो बस फेस्टिवल अभी स्टार्ट ही होने वाले हैं और मेरी तैयारियां भी बहुत जोर जोर से चल रही हैं। अभी बना रही थी लड्डू, क्योंकि सुबह में रोज एक लड्डू खाती हूँ, ड्राईफ्रूट्स वाले लड्डू। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था मैं कैसे बनाती हूँ। तो आज आपको लगता होगा कि मेरा वीडियो कोई शूट कर रहा है क्या, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने एक बहुत ही अच्छा डिवाइस मंगवाया था, फेस ट्रैकिंग डिवाइस। तो ये ट्राइपॉड पे लगाना होता है और आप जैसे जैसे मूव करते होगे वैसे भी ये भी मूव करेगा, आपका फोन मूव करेगा। तो बहुत ही अच्छा सा ये डिवाइस था, मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी इसका रिव्यू कैसा है। तो ये मखाने मैंने सीख लिए थे, बादाम सीख लिया था और मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स अंदर ऐड किए थे, काजू बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स अंदर ऐड किए थे। और ये है डेट्स, तो इसके अंदर से जो बीज होता है वो निकाल देना होता है। और ये मैं बिल्कुल भी शुगर वगैरह ऐड नहीं करती हूँ। तो डेट्स, अंजीर और मैं अंदर किशमिश ऐड करती हूँ, तो इससे अच्छे से बाइंडिंग भी हो जाती है और बहुत स्वीट भी बन जाता है। तो बस इससे मैं लड्डू बनाती हूँ और रोज़ सुबह मैं एक लड्डू में ज़रूर खाती हूँ। तो ऐसे अलग अलग ड्राई फ्रूट्स खाना, भिगो के रखना है, मेरे से होता ही नहीं है, मैं हमेशा भूल ही जाती हूँ। तो इससे अच्छा मैं ऐसे लड्डू बना के रखती हूँ, तो बस सुबह उठ के एक लड्डू खाइए और सारे ड्राई फ्रूट्स के जो पोषण होते हैं वो मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छे लड्डू होते हैं जिससे मेरी हेयर और स्किन बहुत अच्छी अभी हो गई है। मेरे हेयर काफ़ी शाइनिंग कर रही है इससे, मेरी स्किन भी काफ़ी शाइनिंग कर रही है इससे। और इसको बनाना बहुत इजी है, आपके साथ में मैंने पहले भी शेयर किए थे। और इसके अंदर आप अपने हिसाब से अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से लड्डू बना लेते हैं और काम पे लगते हैं आगे। Yeah, please just blow this flame away. And I hold on for rainy days. It feels like a decade, just please come and save me. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire. लड्डू मेरे बनके रेडी हो गए हैं और मैंने रखे हैं अभी एक कंटेनर में। तो थोड़े लड्डू मैं फ्रिज में रख देती हूँ और थोड़े लड्डू मैं बाहर रखती हूँ, क्योंकि होता क्या है कि लॉन्ग टाइम तक चलते हैं और फ्रेश रहे, इसके लिए मैं थोड़े फ्रिज में रख देती हूँ। और ये है कलर्स, मैंने उसको बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया है। बहुत इसकी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा चलो इसको कलर करते हैं और काफ़ी खूबसूरत बनाते हैं। नवरात्रि आ रही है तो बस मंदिर की क्लीनिंग कर रही थी। मंदिर मेरा आरस का है तो थोड़ा गंदा भी जल्दी हो जाता है, तो बहुत ही अच्छे से उसको रगड़ के साफ करना पड़ता है। तो मुझे एक कमेंट आया था कि भगवान जी को आप ऐसे टैप के नीचे मत निलाइए, तो मुझे लगा कि सही बात है, ऐसे भगवान जी को टैप के नीचे नहीं निलाना चाहिए। तो मैंने इस बार बहुत ही अच्छे से उल्ली में बिठा के निलाया था। और मुझे कमेंट वो भी आया था कि आप निलाते हुए वीडियो मत बनाइए, तो मुझे लगा सही बात है, कभी हम भी नहाते तो ऐसे वीडियो बनाएंगे तो हमको कैसा लगता होगा। तो बस भगवान जी को इस बार मैंने नहलाते हुए वीडियो भी नहीं शूट किया और बस मंदिर पूरा खाली कर दिया है। मैंने सीरीज वगैरह इस बार निकाल दी है, तोरण वगैरह, और ये लाइट भी मैंने अभी निकाल दी है। बहुत ही ख़राब दिख रही थी,
पता नहीं मैंने उसको अभी तक क्यों लगा के रखी थी, अभी मैंने फिलहाल उसको निकाल दिया है और मैंने बहुत ही अच्छी लाइटिंग मंगवाई भी है, तो वो मैं अभी लगाने वाली हूँ। तो मंदिर को बहुत ही अच्छे से रगड़ के मैं साफ करने वाली हूँ एकदम। पहले मैंने गीले कपड़े से उसको साफ कर लिया, इसके बाद में जो लिक्विड वगैरह होता है उससे मैंने अच्छे से साफ किया और मंदिर काफी खूबसूरत चकचकाट हो गया है। तो आरस के मंदिर में यही होता है कि आप थोड़ा रगड़ के साफ करिए और मंदिर बिल्कुल एकदम चमचमा जाता है। तो यहाँ बैठ कर ये थोड़ी चीजें वगैरह लेके, यहाँ पे दिए वगैरह मेरे पिछले साल के पड़े हुए थे तो बस देख रही थी, चेक कर रही थी कि कौन से दिए चालू है क्या है, और अगर इसके अंदर सेल भी खत्म हो गया होगा तो भी ये बंद हो जाते हैं, तो बस सेल वगैरह डाल के वापिस चालू भी हो जाते हैं, तो बस यही सब चेक कर रही थी। तो ये वाला दिया, पहला ही दिया मेरा बंद था, बाकी सारे दिए चालू थे। और कैंडल लाइट भी आप देख सकते हो बहुत सारी पिछले साल की पड़ी है, तो बस इस साल ये सब यूज़ करूंगी और देखती हूँ नया परचेस करने की ज़रूरत पड़ेगी तो शायद परचेस भी करूंगी, क्योंकि होता है ना हर साल कुछ नया नया आता रहता है तो परचेस करते रहते हैं, फिर इकट्ठा ऐसे होता रहता है। तो ये सब सारी लाइटें भी चेक कर रही थी, पर सारी लाइटें चालू थी, इसके अंदर भी सेल भी पड़ता है तो मैंने सोचा अगर बंद हो गई हो तो सेल वगैरह लेके उसको चालू कर देते हैं। चलिए मंदिर की क्लीनिंग बिल्कुल हो गई है और मैंने आसन बिछा दिया है, तो मैं ऐसे सिंपल आसन नीचे बिछाती हूँ, इसके ऊपर थोड़ा मैं कलरफुल आसन बिछाती हूँ। तो बस अभी सारी जो बाजोटे वो मैं रख रही हूँ अभी फिलहाल, और भगवान को मैंने नीला के अच्छे से मैंने रखा है अभी सूखने के लिए। और अभी नवरात्रि आ रही है तो माता रानी को मैं पहले आगे बिठाऊंगी। तो वैसे तो मैं अलग से स्थापना वगैरह कुछ भी नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही मंदिर में ही माता जी को बिठाती हूँ और मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि 10 दिन में बहुत गरबे खेलती हूँ, सुबह 4-4 5-5 बजे तक गरबे खेलती रहती हूँ, तो बस इतना कुछ भी मेरे से होता नहीं है। मेरी ऑफिस भी चालू होती है, घर के काम भी सारे चल रहे होते हैं, तो इतना मैनेजमेंट नहीं कर पाती हूँ, तो बस ऐसे ही करती हूँ, इतना ही करती हूँ मैं। तो बस जैसी अपनी श्रद्धा होती है ऐसे हमें काम करने चाहिए, बहुत ज्यादा हमारे पे लोड लेके भी हमको काम नहीं करना चाहिए, तो बस मैं हो सके इतना तो करती हूँ। और ये वाली लाइट में लाई थी तो इसको क्या होता है कि जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको चिपका देना होता है, इसमें मैग्नेट लगा होता है, तो ये लाइट बस ऐसे आपको लगा देनी है। ये सेंसर मोशन लाइट है, 15 मिनट में अपने आप बंद भी हो जाती है और आप उसको हमेशा के लिए ऐसे ऑन भी रख सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छी लाइट है, आप देख सकते हो मंदिर में काफी उसकी रोशनी हो गई है, तो पहले वाली इस लाइट से ये लाइट बहुत ही अच्छी लग रही थी। और मंदिर मेरा देख रहे हो आप एकदम क्लीन हो गया, कितना खूबसूरत लग रहा है, और सारी उल्लियाँ भी मैंने अभी धो के यहाँ पे सुखाने के लिए रख दी है। अभी आ गई हूँ बेडरूम में और पानी की बोतल तो हमेशा मेरे हाथ में रहती है, क्योंकि घर पे होती हूँ तो बार बार पानी पीना मैं इतना भूल जाती हूँ, तो क्या करती हूँ कि पानी की बोतल अपने साथ में ही रखती हूँ और पानी में पीती भी रहती हूँ बार बार। तो ये बोतल मैं जैसलमेर से लाई थी, पत्थर की बोतल है, इसमें नेचुरली पानी ठंडा रहता है। तो बहुत कुछ चीजें ऐसे शॉपिंग करके आते हैं इधर उधर रख देते हैं, तो मैंने ये ऑनलाइन साड़ी मंगवाई थी नवरात्रि में पहनने के लिए, काफी खूबसूरत साड़ी है, मैं अभी आपको पूरा नहीं दिखाऊंगी, अब जब पहनूंगी तभी दिखाऊंगी। इसमें अंदर फॉल मुझे लगवाना था तो एक्चुअली मैं खुद ही लगा देती हूँ, मेरे पास मशीन है और मेरे मशीन में इंटरलॉक वगैरह सब कुछ होता है। तो ये वाला गाउन है ये भी मैं नवरात्रि में पहनने वाली हूँ, तो मुझे इसको भी फिटिंग वगैरह करना था। तो काफी सिंपल सा ये ग्रीन कलर का गाउन था, मैंने मीशो से परचेस किया था, पर इसके अंदर मैं दुपट्टा थोड़ा हैवी लूंगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और इस बार मैंने माता रानी के लिए बहुत ही अच्छे से लहंगे खरीदे हैं, दो मैंने लिए हैं, ऐसा एक ब्लू कलर में है, स्काई ब्लू कलर है, और एक येलो कलर में है, और चुन्नियाँ भी बहुत ही अच्छी है इसके साथ।
और उसके साथ मैंने मैचिंग के सेट और मुगट भी उनके शॉपिंग किए थे, तो जब भी मैं पहनाऊंगी तब आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और लिए था मैंने ये एक अम्ब्रेला, तो ये नवरात्रि में जो खेलैया होते हैं गरबे खेलने के लिए यूज़ करते हैं, पर मैंने तो गरबे खेलने के लिए नहीं लिया है, बस ऐसे ही मुझे पसंद आई और मैंने ले ली, तो काफ़ी खूबसूरत है। तो बस ऐसे ही मैं कुछ ना कुछ ऐसे आइडिया सोचती रहती हूँ और मैं ऐसे चीज़ें लेती रहती हूँ, तो काफ़ी खूबसूरत अम्ब्रेला है ये। तो नवरात्रि की तैयारी मेरी बहुत जोरों जोरों से चल रही है, मैंने इस बार चनिया चोली भी 3-4 ली है, तो बस रोज अलग अलग चनिया चोली पहनूंगी और गरबे खेलूंगी। मुझे गरबे खेलना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत शौक भी है गरबे खेलना, तो मैंने ये दुपट्टा जैसलमेर से लिया था, तो मैं नवरात्रि में ये वाला दुपट्टा भी पहनने वाली हूँ। और सारी चनिया चोली मैंने क्या किया है, एक वाले बॉक्स में ऐसे रख दी है, तो उससे क्या होता है कि सिर्फ फैलता नहीं है, कि एक चनिया चोली पहनी फिर उसको ऐसे रख देते हैं फिर दूसरी निकालते हैं तो पूरा फैल जाता है, तो मैंने ये वाला बॉक्स ही ऐसे रख दिया है, तो बस पहनूंगी वापस इसके अंदर रखूंगी। तो आप तो मैंने ये वाला भी चनिया चोरी नया लिया है, तो अभी यही इस बार मैं 4 दिन चनिया चोरी नई नई पहनने वाली हूँ और गरबे खेलने वाली हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी पहले पिछले साल की भी मेरे पास 3-4 और चनिया चोरी ऐसे पड़ी है, तो बस अलग अलग चनिया चोरी पहनूंगी और ये वाला बॉक्स में सारी चनिया चोरी रखी हुई है। और ये वाला ब्लाउज मुझे फिटिंग वगैरह करना था तो ये सब मैंने निकाल दिया, तो अभी मेरे ये सब काम ही चलते रहते हैं, फिटिंग वगैरह के काम करने होते हैं और सब कुछ मैं अच्छे से अभी रखती हूँ। तो ये वाली अम्ब्रेला मैं देख रही थी कि इसके अंदर फिट आ रही है कि नहीं आ रही, तो ये भी मैं अंदर रख दूँ, तो आ रही थी। तो सारी चीज़ें एक जगह रहती है तो क्या होता है कि फटाफट चीज़ें मिल जाती हैं, तो बस मैं ऐसा ही करती हूँ कि हर एक बॉक्स बना के रखती हूँ कि नवरात्रि की चीज़ें इसके अंदर रहती है। फिर मेरे एक अलग से लॉन्ड्री बास्केट भी रखा है, तो ये पोर्टेबल होता है, तो जब भी ज़रूरत नहीं होती है तो उसको ऐसे बंद करके वापस रख भी सकते हैं, बिल्कुल छोटी जगह में आ जाता है। तो ये मैंने एक कुशन खरीदा था ऐसा लिप्स वाला, बहुत ही अच्छा था, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तो बस अभी दिवाली भी शॉपिंग मेरी चल रही है, तो ऐसा क्या होता है कि रोज़ रोज़ ऐसे पार्सल आते रहते हैं, तो बस ऐसे ही ये मैंने लॉन्ड्री बास्केट रख दिया, इसके अंदर मैं सारा अभी डंप कर रही हूँ। तो मैंने ये बहुत ही प्यारी सी बास्केट मंगवाई थी, क्लीनिंग बास्केट है ये, तो सारी चीज़ें अंदर इकट्ठा करके मैं रख पाऊंगी। तो ये मैंने बहुत ही अच्छा से ऐसे लोटस लिया था और ये मटकी ली थी, तो इसके अंदर मैं घर पे ही कैंडल बना के बहुत ऐसे दिए बनाने वाली हूँ, तो आपके साथ मैं ज़रूर भी शेयर करूंगी। तो ऐसे मॉल में जाते हैं तो कुछ ना कुछ खरीद के आते हैं, तो ये वाली मटकियाँ बहुत अच्छी है, इसके अंदर आप मनी प्लांट वगैरह कुछ भी लगा सकते हो, ऐसे ही डेकोरेट कर सकते हो, काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो मैं इसे बालकनी में लगाने वाली हूँ और दिवाली के लिए मेरी सारी तैयारी अभी होनी स्टार्ट हो गई है, तो बहुत ही अच्छा डेकोरेशन मैं इस बार करने वाली हूँ। और ये लड्डू थोड़े में जार में मुझे निकालने थे, उसके बाद में थोड़े लड्डू फ्रीज में रख दूंगी ताकि लॉन्ग टाइम तक कुछ फ्रेश रहे, और ये वाली जार में कांच की यूज़ करती हूँ ताकि इसके अंदर भी फ्रेशनेस बनी रहे, और ये जार एयर टाइट रहती है तो बहुत ही अच्छे लड्डू रहते हैं, और रोज़ सुबह में एक लड्डू ज़रूर मैं खाना पसंद करती हूँ। तो अभी लड्डू को देख के मुझे मन हो गया कि चलिए लड्डू अभी ट्राई कर ही लेते हैं कैसा बना है, तो बस लड्डू खाने बैठ गई और बहुत ही अच्छा लड्डू बना था इस बार, बहुत टेस्टी बने थे। मैंने इसके अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड किए थे, इसके अंदर मैंने इस बार अलसी ऐड की थी और खरबूजे के बीज वगैरह बहुत कुछ अंदर ऐड किया था, इस बार बहुत ही अच्छे लड्डू मैंने बनाए थे। बारिश स्टार्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मेरा बालकनी का लुक आप देख ही सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, रात को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। कर ली है भगवान की और आप देख सकते हो मंदिर बहुत क्यूट लग रहा है,
और ये वाला धूप मैं घर पे ही बनाती हूँ। आपके साथ में पहले शेयर भी किया था कैसे बनाती हूँ मैं घर पे, जो भी फूलों और बाती वगैरह बच जाता है उसमें से मैं ये वाला धूप बनाती हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू घर पे फैल जाती है, बहुत ही अच्छा होता है। तो पूजा वगैरह हो गया है, भी कुछ ऐसा लगता है शाम को। तो ये फानस मैंने आज लगाया है, चालू भी किया है, बहुत प्रिटी लग रहा है। और ये वाला मनी प्लांट देख सकते हो, पूरा ऐसे प्लांटर से बाहर आ गया है अभी, काफ़ी खूबसूरत। तुलसी जी को भी दिया मैंने लगा दिया है, धूप भी लगा दिया है। खाना खा लिया था मैंने और मैं बैठ गई थी मशीन पे, तो मुझे करना था इंटरलॉक वगैरह और थोड़ा फिटिंग वगैरह भी करना था। तो सारी चीज़ें मैं साथ में लेके बैठी थी और साड़ी को मैं इंटरलॉक कर रही हूँ। साड़ी काफ़ी खूबसूरत है, मैं जब भी पहनूंगी, यानी मैं नवरात्रि का पहले दिन पहनने वाली हूँ। और मैंने बहुत ही अच्छा सेट भी मंगवाया इसके साथ मैचिंग। बहुत सारे फेस्टिवल अभी आने वाले हैं, तो अच्छा अच्छा खाना बनाइए, अच्छे से इंजॉय करिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए। तो फेस्टिवल तो आते ही इसके लिए है कि एंजॉय करने के लिए, अच्छा अच्छा खाना बनाने के लिए। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ, मिलती हूँ बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तो आप अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। बाय बाय।